Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another lecture of Borix Materia Medica and the remedy for today is Astylagomedis. Corn smut is ka common name hai. Now let's discuss this remedy in detail. So basically ye hemorrhagic diathesis ke person ko di jati hai. Agar uterus mein flabby condition hai या फिर कंजेशन हो रहा है वेरियस पार्ट्स में. कंजेशन मतलब एक्सेसिव फ्लो ऑफ ब्लड, स्पेशली इन द केस ऑफ क्लाइमैक्टरिक, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. पर्सन का जो हेड होता है उसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो उसको हमेशा फुल फीलिंग है. टोल्ड यू ना, कंजेशन इज ऑब्जर्व्ड, नर्वस हेडेक फ्रॉम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज. ठीक है, मेंसेस में इरेगुलरिटी होने की वजह से अगर आईबॉल्स में एकिंग है, सर में दर्द है, लैक्राइमेशन हो रहा है, तो हम इस रेमेडी मतलब प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. मेल के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अनकंट्रोलेबल मास्टर्बेशन, स्पर्मेटोरिया विथ इरोटिक फैंसीज एंड अमोरस ड्रीम्स, एमिशंस विथ इरेसिस्टेबल टेंडेंसी टू मास्टर्बेशन, डल पेन इन लंबर रीजन विद ग्रेट डिस्पोंडेंसी एंड मेंटल इरिटेबिलिटी. तो बेसिकली मेल्स के केस में अगर अनकंट्रोलेबल मास्टर्बेशन का केस है जिसकी वजह से लंबर रीजन में बहुत ज्यादा डल पेन हो रहा है तो हम ये रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटली सैड रहेगा एंड माइंड भी उसका इरिटेबल होता है. फीमेल की अगर हम बात करें तो विकेरियस मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो की जगह अगर एपिस्टैक्सिस हो जा रहा है या फिर हीमरेज हो जा रहा है पैसिव, तो हम अस्टिलागो के बारे में सोच सकते हैं. बर्निंग पेन होता है ओवरी रीजन में, स्वेलिंग मिलती है. ठीक है, और प्रोफ्यूज मेंसेस आफ्टर मिस कैरेज. ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, और वो भी ब्लड कैसा होता है, ब्राइट रेड एंड पार्टली क्लॉटेड. मीनोरेजिया अगर हेवी मेंसेस का फ्लो होता है ड्यूरिंग क्लाइमैक्टेरिक, या फिर डार्क ब्लड का फ्लो होता है लॉन्ग ब्लैक स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, देन आल्सो वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. यूट्राइन हाइपरट्रॉफी, सर्विक्स में ब्लीडिंग हो रही है, मतलब फीमेल की कंप्लेंट्स कैसी भी हो अगर उसमें हीमरेज मिल रहा है तो हम इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, फीवर की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, पल्स एट फर्स्ट एक्सिलरेटेड देन एनफीबल्ड, मतलब पल्स इसको बहुत ज्यादा पहले बढ़ी हुई फील होती है एंड देन वो बहुत ज्यादा काम हो जाती है. एक्सट्रीमिटीज में इसको ऐसा फील होता है दैट सेंसेशन ऑफ बॉइलिंग वाटर अलोंग द बैक, दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम, दैट पर्सन को लगेगा ऐसे उबलता हुआ पानी उसके बैक रीजन में फ्लो कर रहा हो. ठीक है, टिटैनिक कन्वल्जन्स, मूवमेंट्स होते हैं, मसल्स में कंट्रैक्शन होते हैं स्पेशली लोअर लिम्स की. स्किन की अगर हम बात करें तो एलोपेशिया. ठीक है, आप एलोपेशिया की इमेज सर्च कीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. बेसिकली इसको मतलब दैट इज काइंड ऑफ लॉस ऑफ हेयर. ठीक है, तो इसकी कंप्लेंट्स अगर मिल रही है या फिर स्किन में ड्राई एक्जिमा है, कॉपर कलर स्पॉट्स है, विच इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन वन मोर रेमेडी, कोरालियम रूब्रम. ठीक है, सोरियासिस का केस है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, तो वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेस सेशन. आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड प्लीज 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 विजिट द प्लेलिस्ट दैट आई हैव मेड फॉर ऑल द रेमेडीज ऑफ बोरिंग, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. I'm sure you will find many useful things there. Thank you.